ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। दुनिया में केवल इंसान ही नहीं, कुछ जानवर भी सरकारी नौकरी पर रखे जाते हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़ा और कुत्ता प्रमुख हैं। कुत्ते और घोड़े आपने सेना और पुलिस की नौकरी करते हुए देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी बंदर या लंगूर को सरकारी नौकरी करते सुना है? शायद नहीं। कारण, उनके चंचल स्वभाव के चलते इनसे कोई काम निकाल पाना काफी मुश्किल है। पर आज हम आपको एक ऐसे लंगूर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 9 साल तक सफलतापूर्वक रेलवे की नौकरी की और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। ये बात सन 1880 के आसपास की है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर के पास एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर जेम्स वाइड नाम का एक सिग्नलमैन काम करता था। जेम्स काफी चंचल स्वभाव का था और अक्सर चलती गाड़ियों पर बेमतलब के स्टंट करता रहता था। जब भी दो गाड़ियां गुजरती, वह एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर कूदता फांदता रहता। हालांकि उस जमाने में गाड़ियां आज की तरह तेज स्पीड में नहीं चला करती थी, लेकिन फिर भी एक दिन स्टंट करते समय जेम्स का बैलेंस बिगड़ा और उसके दोनों पैर पहिए के नीचे आ गए। इस हादसे में जेम्स की जान तो बच गई, लेकिन दोनों पैर घुटने के नीचे से कट गए। पैर कटने के बाद अब जेम्स की नौकरी खतरे में आ गई। उसे अपनी कॉटेज से रेलवे स्टेशन तक आने जाने में कठिनाई होने लगी। हालांकि डॉक्टर ने उसके नकली पैर लगा दिए, फिर भी अब उसे अपनी नौकरी जारी रखने के लिए एक सहायक की सख्त आवश्यकता महसूस होने लगी। एक दिन जेम्स स्थानीय कस्बे के बाजार में अपने लिए कुछ खरीदारी करने गया। वहां उसने बैलगाड़ी देखी जिस पर एक किसान बैठा हुआ था और एक लंगूर उस गाड़ी को हांक रहा था। उस लंगूर को देखते ही जेम्स के दिमाग में विचार आया कि यदि ये लंगूर उसे मिल जाए तो उसकी बहुत मदद कर सकता है। जेम्स उस किसान के पास गया और उससे उस लंगूर को बेच देने के लिए आग्रह किया। इतने होशियार लंगूर को किसान बेचने के लिए तैयार न था, लेकिन जब उसने जेम्स के कटे हुए पैर देखे तो उसे उस पर दया आ गई और उसने कुछ पैसे लेकर वह लंगूर जेम्स को दे दिया। इस लंगूर का नाम था जैक, जो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली चकमा बबून प्रजाति का था। जैक बहुत ही होशियार लंगूर था और जेम्स के लिए बड़ा काम का साबित हुआ। वह जेम्स को कॉटेज से रेलवे स्टेशन तक आने जाने में मदद तो करता ही, साथ ही उसके अन्य भी कई छोटे मोटे काम कुशलता से कर देता। अब चूंकि जैक हर वक्त जेम्स के साथ ही रहता था, तो वह जेम्स के सिग्नलमैन वाले काम को भी ध्यान से देखता रहता था और धीरे धीरे उसमें भी जेम्स की मदद करने लगा। कुछ वक्त गुजरा और देखते ही देखते जैक नाम का वह लंगूर एक परफेक्ट सिग्नलमैन बन गया। वो आने जाने वाली गाड़ियों को पहचानने लगा और उसी अनुसार उनके रूट बदलने लगा। ज्यादा क्या कहें, स्थिति ये हो गई कि अब तो जेम्स एक तरफ बैठा रहता और जैक उसकी पूरी ड्यूटी निभाता रहता। अब जैसा कि स्वाभाविक था, आसपास के गांवों में ये खबर फैलते देर न लगी कि स्टेशन पर एक लंगूर सिग्नलमैन का काम कर रहा है। उसे देखने के लिए रोज भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग उसे आश्चर्य से देखते तो कुछ को एक लंगूर का इस तरह सिग्नलमैन का जिम्मेदारी वाला काम करना बेहद गलत लगा। एक जानवर के ऊपर सिग्नलमैन जैसी गंभीर जिम्मेदारी कितनी खतरनाक बात थी, कभी भी दुर्घटना का अंदेशा हो सकता था। ऐसी ही सोच वाले किसी व्यक्ति ने एक दिन रेलवे अधिकारियों को इस बात की शिकायत कर दी। रेलवे अधिकारियों ने जब यह देखा तो उन्होंने जेम्स को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब जेम्स बेचारा क्या करे, वह अपनी नौकरी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि विकलांग हो जाने के कारण उसे इस नौकरी की सख्त आवश्यकता थी। साथ ही उसे अपने लंगूर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उसने अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को एक अपील की चिट्ठी लिखी और अपने लंगूर का टेस्ट लेने को कहा। उसने दावा किया कि उसका लंगूर किसी भी इंसान से बेहतर सिग्नलमैन है। न जाने रेलवे अधिकारियों को क्या लगा, उन्होंने ये लंगूर का टेस्ट लेने के लिए इंजीनियरों की एक टीम बनाकर भेज दी। रेलवे के इंजीनियरों ने कई तरह से लंगूर का टेस्ट लिया।
जैक हर परीक्षा में खरा उतरा। उसकी काबिलियत ने उन इंजीनियरों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने जैक को नौकरी पर रखने की सिफारिश कर दी। फिर क्या था, अब जैक उस स्टेशन पर अधिकृत सिग्नलमैन बना दिया गया। उसे 20 सेंट प्रति सप्ताह की तनख्वाह मिलने लगी और आधा बोतल बियर रोज मिलने लगी। जैक ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वह अपनी मौत होने तक 9 साल तक रेलवे की नौकरी करते रहा। ध्यान देने वाली बात यह रही कि उसने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी गलती नहीं की। आखिरी समय में उसे टीबी हो गई और सन 1890 में उसकी मृत्यु हो गई। आज भी उसकी खोपड़ी ग्राहम्सटाउन के अल्बेनी म्यूजियम में दर्शनार्थ रखी हुई है। वह दुनिया का सबसे पहला और शायद आखिरी लंगूर था जिसे रेलवे की नौकरी में रखा गया था। किसका सहारा।